नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 10th और 12th के बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम कब से स्टार्ट होगी उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पर मैं आपको कक्षा 10th और 12th 11th सारी क्लास की सारी अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा, इसलिए आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले बात करें तो 10th और 12th की एग्ज़ाम की डेट के बारे में। आपकी 15 फरवरी 2024 से शुरू होने वाली है और लास्ट आपका एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2024 को ख़त्म होगा। इसके साथ में क्या क्या आपका शेड्यूल जारी रहेगा इसके बारे में बात करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा 10-15 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक होगा। इसके प्रैक्टिकल 1 जनवरी से होगी शुरू। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है आपके 12th क्लास के, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपके 1 जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम बात करें तो परीक्षा की अवधि लगभग आपकी सारी एग्जामों की 55 दिन होगी। फिर बात करें तो CBSE कक्षा 10th और 12th की, अगर बात करें परीक्षा समय मिलने वाले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा। सबसे पहले बात करें तो कक्षा 10th के पेपर में 50% और कक्षा 12th के पेपर के अंदर 40% सवाल समता आधारित होंगे। मतलब कुछ पिछले साल के बजाय इस बार थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है। समता आधारित प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप और उसके अनुसार शॉर्ट आंसर की वाले ज़्यादातर आपके सवाल होंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम शॉर्ट कर दिया गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपको शॉर्ट टिक के आधार पर, शॉर्ट आंसर के आधार पर आपके एग्ज़ाम में जितने भी होंगे प्रश्न उसका उत्तर देना होगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। और आपके दिन एग्ज़ाम है नज़दीक, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अभी से ज़्यादा तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।